हेलो एवरीवन, दिस साइड नगमा, फाउंडर ऑफ टेक्निकल गुरु कोचिंग सेंटर एंड यू आर वाचिंग टीजीसीसी लीगल। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए जिनका क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या चूज़ करना चाहिए। उनकी मुझे कुछ थर्ड सेमिस्टर की जो स्टूडेंट है उनकी क्वेरी आई है कि क्या हम चूज़ करें जो आगे हमारे करियर में हेल्प करें। लाइक अगर हम यूपीएससी स्टूडेंट हैं तो आगे हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज़फुल रहेगा, जुडिशरी कर रहे हैं तो क्या रहेगा, लिटिगेशन का प्लान करते हैं तो क्या रहेगा, या फिर हमारा अगर प्लान आगे कॉरपोरेट सेक्टर में जाने का है तो क्या रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस में हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे सकती हूँ। फर्स्ट हमारा जो है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ये डील करता है इंडिविजुअल देन स्टेट से। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप आँख बंद करके प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ चूज़ करिए। जो स्टूडेंट यूपीएससी अपना एम लेके चल रहे हैं इस टाइम और उनका साइड बाय साइड रहा है कि हम लॉ भी कर लेते हैं, तो वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ चूज़ करें क्योंकि ये आगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन कम टू मीडिया लॉ, जिनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में रहा है और आगे प्लान कर रहे हैं कि हमें कॉरपोरेट फील्ड में जाना है यानी लीगल फील्ड में जाना है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। आप थर्ड सेमिस्टर में मैंडेटरी सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो आप इसके साथ में इसको पढ़ सकते हैं बहुत इजीली। ये बहुत डेप्थ में बात करता है आर्टिकल 19 जो बात करता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। देन कम टू वाइट कॉलर क्राइम, माई फेवरेट पार्ट, वाइट कॉलर क्राइम मेरा फेवरेट पार्ट है। मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगी, जो बच्चा बहुत सीरियस होके लॉ को पढ़ता है, बहुत इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहता है, अपनी नॉलेज को एनहेंस करना चाहता है, तो नॉलेज एनहेंस करने के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ये चूज़ करें। इसके तो एक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक एनडीपीसी, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ, बट एज़ कम्पेयर टू अदर थ्री जो हमारे हैं मीडिया लॉ, प्राइवेट लॉ, लीगल साइकोलॉजी, उन सब के कंपेयर में सबसे वास्ट रहा है। या आपको टोटल 5 एक्ट पढ़ने पड़ेंगे तो आपको समझ आ सकता है कि कितना वास्ट है ये और कितना नहीं। हाँ, बट इसमें आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने को मिलेगी। कोई जुडिशरी के स्टूडेंट है या लिटिगेशन के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चूज़ करना चाहिए। देन कम टू लीगल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी में हम बात करते हैं काफ़ी जूरिस प्रूडेंस की। आपने फर्स्ट सेमिस्टर में अपना जूरिस प्रूडेंस पढ़ा था कि किस तरीके से लॉ आया है, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या बैकग्राउंड है उसका, तो ये सब चीज़ें आपको लीगल साइकोलॉजी में पढ़ने को मिलेगी। सबसे कम जो स्टूडेंट होते हैं लीगल साइकोलॉजी को ही चूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका जूरिस प्रूडेंस में ही इंटरेस्ट नहीं रहता, तो वो जूरिस प्रूडेंस जैसा वर्ड सुनते ही लीगल साइकोलॉजी को इग्नोर करते हैं। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो। मैं आपके सामने एक चीज़ और बताऊं, लाइक मीडिया लॉ में थोड़ा इंटरेस्ट लाने के लिए आप मीडिया लॉ में क्या क्या पढ़ेंगे। लीगल मीडिया लॉ में आप पढ़ेंगे पेपर मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, सोशल मीडिया, यहाँ से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। लाइक यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो मीडिया की बात कर रहा होगा वो भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। कुछ गवर्नमेंट्स ऑर्डर जो मीडिया को मिलते हैं वो आपको पढ़ने को मिलेगा। कौन सी कमर्शियल एड आप नहीं डाल सकते, ये हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं है, आप सारा मीडिया लॉ में पढ़ेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हाँ, मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कोर ज़्यादा कैसे, स्कोर किस में ज़्यादा स्कोर हम कर सकते हैं, सबसे मेन क्वेश्चन आपका। तो अगर आपको पता है कि किस क्वेश्चन में कहाँ पे अपना केस को मेंशन करना है, कहाँ पे अपना सेक्शन को मेंशन करना है, और आप बहुत ब्यूटीफुली उसको मेंशन करते हैं, उसके एसेंशियल को, उसके इंग्रेडिएंट्स को, हर सब्जेक्ट स्कोरिंग है यहाँ पे, और आप ड्यू के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि किस तरीके से सब्जेक्ट लाना मुश्किल है। मैं खुद ड्यू की स्टूडेंट हूँ तो
मुझे पता है कि किस तरीके से क्या मार्क्स आते हैं। मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। एट द एंड मैं एग्ज़ाम के नियर बाय मैं एक वीडियो और बना के बताऊंगी आपको कि किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ लिखना आपके लिए टीचर को बहुत इम्प्रेसिव कर सकता है, और कहाँ पे सब्जेक्ट किस तरीके, कहाँ पे कोई केस मेंशन करना है, कहाँ पे किस सेक्शन को मेंशन करना है, और कौन से इंग्रेडिएंट आपको वहाँ देने, ये सब चीज़ें मैं आपको उस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। फिलहाल स्कोर को ना कंसीडर करते हुए आप कंसीडर करो आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, आपका एम क्या है आगे से, मतलब एट द एंड आपको कहाँ जाना है, तो ये सब सोचते हुए आप अपना सब्जेक्ट को चूज़ करें यहाँ पे। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप ये वीडियो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जो इस वक्त सेम कन्फ्यूजन में है जिससे आप पहले डील कर रहे थे। अब आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा आई थिंक। एंड नाउ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मुझे भी आगे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।